मेरे प्रिय मेरे छात्र, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 8.4 का 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर सवाल को आज मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए दिया है साइन ए और 1 माइनस कॉस ए, तो हमको इसी को सिद्ध करना कितना आ रहा है, इसको हम हल कर रहे हैं। लिख रहे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसको sec को हम तोड़ेंगे इसके कोई पद में आए तभी हल होगा ना। देखिए sin है cos है, तो sin के पद में नहीं आएगा, cos के पद में टूट सकता है। कौन सूत्र पर? तो देखिए इसे लिखेंगे sec a बराबर 1/2 cos a सूत्र, ठीक है। इसी सूत्र में हम तोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि 1 plus sec a और बटा में sec a को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। जब हल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम हल कर रहे हैं तो 1 और प्लस इसको 1/2 में क्या लिख सकते हैं हम cos a, और इसको भी हम 1/2 में क्या लिख सकते हैं cos a लिख सकते हैं। देखिए अब इससे हम इसमें गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा चीज cos a और प्लस 1 और बटा में का आपका उतर जाएगा cos a, और इसके बटा में 1/2 में क्या हो जाएगा आपका एक कास हो जाएगा। यहाँ तक बात हमारी समझ में आए? और देखिए यहाँ भाग है, जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा, क्या करेगा गुणा, इसको हम ऊपर वाले को उतार रहे हैं कास ए और प्लस 1 और बटा में कास ए, और इसके बटा में है जो यहाँ गुणा का चिन्ह कर रहे हैं, तो कास कहाँ चला जाएगा ऊपर और बटा में कास से कास का हो गया कट गया आपका, क्या बच गया कास ए और प्लस 1, इतना आ गया ना। ये देखिए इतना आ गया, मगर इतना नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे कि इसको भी हल करेंगे कि हमारा इतना आ गया दोनों पक्ष, ये आपका क्या है एल एच एस, वो जब हम हल कर रहे हैं अब आ जाएगा आर एच एस बराबर, इसको भी हम हल कर रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, सूत्र को लिख रहे हैं साइन, अब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए सूत्र आपको तैयार होगा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा या ए मान लीजिए बराबर में ए, ए बच्चा ये साइन स्क्वायर दिया है इसको हम इधर ले सकते हैं, लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं ना। देखिए हम इसको इतना लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सूत्र आप लोग को क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं, इसी सूत्र को हम क्या कर रहे हैं इसको रख रहे हैं, ठीक है। देखिए रख रहे बच्चे, तो ये देखिए आपका है क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए और बटा में 1 माइनस कास ए दिया है। अब बताइए आप लोग का एक और सूत्र याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस का लिखते हैं बी और ए माइनस बी लिखते हैं, इस सूत्र को तो आप लोग भी जानते होंगे कच्चा छह से दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी को इसी पर तोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 डाल लिख दीजिए इसी सूत्र पर, तो 1 और प्लस का हो जाएगा आपका कास ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 1 और माइनस कास ए लिख लीजिए और इसके बटा में जो है इसको डाल दीजिए 1 माइनस कास ए, बोलिए माइनस वाला से माइनस वाला क्या हो गया कैंसिल हो गया आपका 1 प्लस कास ए बच गया, ठीक है। तो ये बताइए ये इतना आ गया कि नहीं आ गया दोनों ना, एक का आया आपका एल एच एस एल एच एस और ये का हो गया आपका आर एच एस, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, इसका मतलब ये हो गया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष।